खबर सिरसा से है, जहां इनेलो के अभी सिंह चौटाला के सामने तीन बार चुनाव लड़ने वाले डडवा कला हलका के नेता पवन बेनीवाल वर्षों बाद फिर एक साथ दिखाई दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि पवन बेनीवाल इनेलो के अभय सिंह चौटाला के सामने तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें दो बार भाजपा की टिकट से और एक बार कांग्रेस की टिकट से अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल फिर एक मंच पर आके साथ मिल गए हैं। पवन बेनीवाल ने एक बार फिर इनेलो ज्वाइन की। पवन बेनीवाल ने साल 2014 में इनेलो छोड़कर भाजपा की टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में भी इलाहाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ा और फिर साल 2021 में इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रविवार शाम को अभय सिंह चौटाला डडवा कला स्थित पवन बेनीवाल के घर पहुंचे, जहां पर पवन बेनीवाल ने अपने समर्थकों सहित उनका स्वागत किया और कांग्रेस छोड़कर इनेलो का दामन थामा। पवन बेनीवाल के घर जलपान कार्यक्रम के तहत इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर वर्षों बाद एक साथ नजर आए। इस चुनाव के अंदर मैं आपके बीच में कम समय दे पाऊँ, मेरी एक मजबूरी रहेगी कि मुझे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उनके प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक बार तो सब गाँव की आदमी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे चुनाव की टोटल जिम्मेवारी पवन के जिम्मे लगाऊंगा। ये घर खड़ा ये मेरा चुनाव नहीं, ये मेरे चुनाव को अपना चुनाव समझ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम। और आपसे भी आग्रह कि आपने अपने अपने गांव में शहर के मर्द धाक नहीं कोई साथी इसी वजह से दुष्ट है, आप उसको मनाओ और उसको एक ही बात समझाओ कि अब की ये जो लड़ाई है ये लड़ाई एमएलए बनाने के लिए, अब के बार की लड़ाई जो है मुख्यमंत्री बनाने की है। आप लोगों ने 20 साल प्रवास काटा, 10 साल कांग्रेस का राज आपने देखा और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आपके सामने से होकर मिल रही है। इन 20 सालों में सत्ता जिला की दोनों सरकारों में अनदेखी हुई है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो विकास के काम हमारे यहाँ होने चाहिए थे, जो सुविधाएं हमारे इलाके को मिलनी चाहिए थी, उन सब से दोनों सरकारों ने वंचित किया, दूर रखा। और आज हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। कांग्रेस में फुटबाजी है आपके सामने है, कांग्रेस किस तरह से तीन चार दड़ों में बटी हुई है, आज एक दूसरे की टांग फेंक रहे। जहां फुटबाजी हो, जहां अनुशासन ना हो, जहां दूसरे को कमजोर करने की सोच रखने वाले हो, वो राजनीति। और आपकी लड़ाई तो सीधी सी है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री रोड पर कब रहेगा, भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के रूप से उत्तर करना होगा, और बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री सत्ता के वो लोग अपने अपने जिले में मुख्यमंत्री के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, एक एक वोट उनके पक्ष में डलवा सकते हैं, तो क्या आप इकट्ठे नहीं हो सकते मुख्यमंत्री बनाने के? क्या आप नहीं चाहते आपके जिले का मुख्यमंत्री चाहते हो? नहीं चाहते जोर से बोल के बताओ चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर सारे इकट्ठे हो जाओ, हर इकट्ठे होकर के वोट एनएफ के निशान पे लगा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से मेरे को भी चिताओ और जहां जहां आपकी रिश्तेदारी भाईचारा मेल जोल मित्रता उनसे और आपके साथ सत्ता वहां जो पुराना खंडी लगे किताब तो सरसा में आते हैं
या उस सबसे कालीवाल के ताजिया के बेलिया के जिन गांव के लोग आए उनसे भी मेरा अनुरोध है सबसे, मैं आपके गांव में भी आकर के जाऊंगा के लिए भी मिले गाँव का ये भी आपके पास गाँव में आकर के मिल सके गोपाल काटा जो अब तुम देख लो ये गोपाल भी दूर चला गया तो ये भी चला गया एक से ग्यारह दिन हम तो 111 तो फिर वहां पे उसकी मदद करना और यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट जीता करके भेजना आपके सवाल आपके आपके सौंप जाता हूँ आपके लड़ा इस मिलन समारोह में आए हुए सभी मेरे पुलिस साथीगण साथियों 5 तारीख को चुनाव होना है और ये मान के चलो पवन का जो परिवार उसके साथ हमारे राजनीतिक संबंध है इस परिवार के साथ पारिवारिक सामाजिक और रिश्तेदारी के संबंध है। आज से नहीं जेलदार साहब के समय से लेकर के बाद में जो जगदीश जी मैणीवाल जब विधायक बने तब से आपको याद होगा जब जगदीश मैणीवाल जी को यहां से विधायक बनाया गया उस वक्त पार्टी की तरफ से टिकट तो किसी और को मिली थी लेकिन चौधरी जयलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक्सिस बैंक वाले को बुला करके कहा था कि फार्म भर हमें तेरे जैसे साथी की जरूरत है हम तेरे को विधायक बनाना चाहते हैं सबसे छोटी उम्र का विधायक हमारे बीच में हो सकता है कोई छोटी मोटी गलत है भी